नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की चर्चाएं ना सिर्फ मंचों पर बल्कि आज सदन में भी छाई रही। दरअसल सचिन पायलट की आज सदन में गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बदस्तूर जारी है, लिहाजा इस बजट सत्र में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर हुए वाद विवाद पर मुख्यमंत्री गहलोत को सदन के कायदे के मुताबिक जवाब पेश करना था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सदन में भी आज पायलट की गैर मौजूदगी के चर्चे सुर्खियों में रहे। दरअसल आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री गहलोत को जवाब पेश करना था, लिहाजा सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से व्हिप जारी किया गया था और यह व्हिप आज सुबह 11 बजे से ही लागू किया गया था। व्हिप जारी करने का मतलब होता है कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों का सदन में रहना अनिवार्य है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि व्हिप जारी होने के बाद भी पायलट सदन नहीं पहुंचे। कुल मिलाकर पायलट की आज की गैर मौजूदगी से बिल्कुल साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी में हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। खैर, मुख्यमंत्री गहलोत राज्यपाल के अभिभाषण पर हुए वाद विवाद पर जवाब देने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो बताई ही, साथ ही भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। माननीय अध्यक्ष महोदय, की भारत सरकार जो प्रीमियम होता है बीमा कंपनी का, उसका भी कैप लगा देती है, उससे ज्यादा हम आपको प्रीमियम नहीं देंगे। तो आप सोचिएगा, 1052 रुपये प्रति परिवार की 60% भुगतान करती केंद्र सरकार, और जब इसका 1800 रुपये हो गए हैं, कहाँ तो 1052 का 1800 रुपये, और कैब उनका अलग लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जब संख्या बढ़ गई है, हमने उसकी परवाह नहीं करी और हमने उस संख्या को मिलाते हुए 1,10,000 परिवारों को देना मंजूर किया। 3,50,000 के बजाय 5,00,000 रुपये, 5,00,000 का बीमा हुआ है। और उससे बड़ी बात ये, जो अभी आपने आशंका व्यक्त करी कि आपने बीमा बंद कर दिया, लोग मारे गए, ये आपको गलत फहमी है। कोई सरकार ऐसी नहीं होगी जो इस प्रकार कदम उठाए कि आप, और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार पक्ष विपक्ष मिलकर के, जैसे कोरोना के अंदर हम लोगों ने प्रयास किया मैनेजमेंट करने का। बीच बीच में आप लोग कुछ, अभी आपने बताया कि कुछ कमी रही होगी, मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पर इतने दुखे जगह हुई होगी। ऐसा कुछ सरकार का प्लान नहीं था कि विपक्ष के MLAs के नाम पे कोई जो सामग्री बांटी जा रही है उसके MLA फंड से, उस पर नाम आए, फोटो आए या नहीं आए, ये कोई ऐसा कोई आदेश नहीं था। जिला स्तर पर मैं समझता हूँ इस प्रकार की व्यवस्था हुई होगी। और जहाँ तक मुझे याद आता है, उस वक्त में चुरू से मानने आने वाले माननीय सदस्य ने भी वही काम किया जिसकी तरह हमें इशारा किया था, फोटो नाम के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन किया था। सही बात है, गुड। वहीं इस दौरान सदन में हंगामा तब मच गया जब गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल एकाएक तैश में आ गए और कहा कि मेरे बारे में सदन में जो आरोप लगाए गए, मैं गुलाब चंद कटारिया को अधिकार देता हूं कि वह खुद अपने स्तर पर मेरी जांच करवा ले, अगर मैं गलत साबित होता हूं तो सदन से इस्तीफा दे दूंगा। लगाया आपने, एक तो ये कि मेरा अपराधियों के साथ फोटो है और अपराधियों को मैं संरक्षण देता हूं, इन अपराधियों को जो रामगंज मंडी के थे, और दूसरा लगाया कि साहब वो मेरी गाड़ी में घूमते हैं, मैं आपको अधिकार देता हूं, कटारिया साहब आपको अधिकार देता हूं, इनकी जांच करवा लो और जांच करवा करके रिपोर्ट सदन पर रख लो, अगर मैं कसूरवार पाऊंगा ना तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना मदन दिलावर से माफी मंगवा देना, इस्तीफा नहीं चाहिए, माफी मंगवा देना, यहां पर आपको अधिकार देता हूं। ये देखिए, ये हाल,
बैठे प्लीज प्लीज ये देखिए अपराधियों के साथ अपराधियों के साथ तो गुफ्तगू हो रही है। गुफ्तगू होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गुफ्तगू कर रहे हैं। 26 जनवरी को क्या करना है ये देखिए। मोदी जी के साथ मोदी जी के साथ अपराधी खड़े खड़े बड़े आराम से फोटो ले रहे हैं ये देखिए। क्या कहना क्या चाहते हो कहना क्या चाहते हो क्या कहना चाहते हो मैं ये कहना चाहता हूँ अधिकार देता हूँ आपको आपको अधिकार देता हूँ अगर आप में हिम्मत। कुल मिलाकर सदन में पक्ष और विपक्ष की नोक झोंक के बीच पायलट की गैर मौजूदगी कांग्रेस खेमे में चर्चा का विषय बनी रही। वहीं कुछ लोग दबी जुबान पर यह भी कहते रहे कि क्या पायलट गहलोत का कभी आमना सामना ही नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की कैसे आज कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सरकार के जो मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी उनकी ओर से व्हिप जारी किया गया था लेकिन इसके बावजूद सचिन पायलट आज सदन में नहीं पहुंचे। जाहिर तौर पर ये मामला पक्ष और विपक्ष दोनों में ही चर्चा का विषय बना रहा। लिहाजा अब क्या ये माना जाए कि जो पायलट गहलोत के बीच जो सियासी वर्चस्व की जंग है वो अब और तेज होने वाली है क्योंकि जाहिर तौर पर जैसे मौजूदा सियासी परिदृश्य संकेत दे रहे हैं उससे एक बात साफ होती है कि कांग्रेस पार्टी में हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।